हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अब हमने थ्योरी नंबर 12th करनी है जो 2002 और 7 में आई हुई है। इजी है, मुश्किल नहीं है, थ्योरम इम्पोर्टेंट भी है। ये लास्ट थ्योरम करेंगे इस चैप्टर के अंदर। लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ। प्रूव दैट, फर्स्ट जो हमें प्रूव करना है, द सेट जो सिंगल्टन सेट है वी इज लीनियरली डिपेंडेंट होगा इफ़ एंड ओनली इफ वी इज जीरो वैक्टर। ठीक है, एक पार्ट हमने कर दिया था, कन्वर्स पार्ट करते हैं इसका। प्रूफ देखते हैं। फर्स्ट का प्रूफ, लेट वी इज इक्वल टू जीरो वैक्टर लेके चले। टेक अल्फा नॉट इक्वल टू जीरो बिलोंग टू फील्ड, देन ए वी जो लीनियर कॉम्बिनेशन अल्फा वी के साथ जीरो लिया। अब अल्फा नॉन जीरो है, वी जीरो है, तो दैट मीन्स ये डेफिनेशन किसकी है, लीनियरली डिपेंडेंट के सेट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है, तो वी लीनियरली डिपेंडेंट सेट हो जाएगा। कन्वर्स पार्ट के अंदर लीनियरली डिपेंडेंट सेट लेके चलेंगे, अगर लीनियरली डिपेंडेंट सेट है तो देयर एग्जिस्ट पक्का एक स्केलर मिलेगा नॉन जीरो, सच दैट ये अल्फा वी जो लीनियर कॉम्बिनेशन वो जीरो आएगा। इम्प्लाइज दैट वी इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स फर्स्ट केस के अंदर जीरो लेके चले थे और लीनियरली डिपेंडेंट शो करना था, वो डेफिनेशन सेटिस्फाई करवानी थी लीनियर डिपेंडेंट वाली। फिर डेफिनेशन लेके चले और वी को जीरो प्रूव कर दिया, दैट मीन्स फर्स्ट बहुत ईजी है पार्ट है इसका। फिर सेकेंड कि जो सेट है वी वन वी टू, ये सेट लीनियरली डिपेंडेंट होगा। ठीक है, दो वेक्टर्स का सेट लीनियरली डिपेंड होगा इफ़ एंड ओनली इफ अगर वी वन और वी टू दोनों कोलिनियर है। कोलिनियर मीन्स कि वन इज स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर। ठीक है, एक को दूसरे का स्केलर मल्टीपल लिख सकते हैं, दैट मीन्स वी वन को वी टू को लिख सकते हैं अल्फा टाइम ऑफ वी वन। ठीक, तो देखते हैं इफ़ एंड ओनली इफ रिजल्ट प्रूव करना है। हम लेके चले फर्स्ट पार्ट के अंदर, लेट वी वन और वी टू जो दो एल वैक्टर्स का सेट है बी द लीनियरली डिपेंडेंट सेट लेके चले। अगर लीनियरली डिपेंडेंट सेट है तो बाई डेफिनेशन ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट सेट देर एग्जिस्ट पक्का हमें स्केलर मिलेंगे अल्फा बीटा नॉट बोथ जीरो। ठीक है, दोनों जीरो नहीं हो सकते साइमल्टेनियसली, अगर जीरो हो गए तो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट की डेफिनेशन सेटिसफाई कर जाएगी, बट हमें डिपेंडेंट सेट गिवन है तो लीनियरली डिपेंडेंट सेट ने इम्प्लाइज किया कि अल्फा बीटा दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते। हम लेके चले कि अल्फा नॉन जीरो है, सच दैट कि जो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन है अल्फा वी वन प्लस बीटा वी टू इज इक्वल टू जीरो आ रहा है, दैट मीन्स अल्फा वी वन प्लस बीटा वी टू इज इक्वल टू जीरो। अब अल्फा वी वन को लिख सकते हैं माइनस टाइम ऑफ बीटा वी टू, अल्फा नॉन जीरो है तो उससे डिवाइड कर सकते हैं, वी वन इज इक्वल टू माइनस बीटा बाय अल्फा वी टू हो गया। अब माइनस बीटा बाय अल्फा को आप के पुट कर दो तो वी वन इज इक्वल टू के टाइम ऑफ वी टू हो जाएगा, दैट मीन्स जो वी वन वैक्टर है इस स्केलर मल्टीपल ऑफ वी टू हो गया क्योंकि के आपके पास यहाँ पे स्केलर आ गया। तो हंस हम लिख सकते हैं वी वन कॉमा वी टू आर फैक्टर्स, दैट मीन्स कोलिनियर मीन्स कि वो स्केलर मल्टीपल है। कन्वर्स पार्ट के अंदर हम कोलिनियर लेके चलेंगे, लेट वी वन एंड वी टू बी द कोलिनियर वैक्टर, दैट मीन्स वन ऑफ दम इज स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर, तो वन ऑफ दिस से वी वन इज स्केलर मल्टीपल ऑफ वी टू। सेम जैसे हमने प्रूफ किया इससे अपोजिट लेके चल पड़ना है, नीचे से स्टार्ट करेंगे अबव तक पहुंच जाएंगे। अगर स्केलर मल्टीपल है तो लिख सकते हैं वी वन इज इक्वल टू के टाइम ऑफ वी टू फॉर सम स्केलर के लिए। फिर के वी टू को राइट लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं, वन इंटू वी वन लिख सकते हैं माइनस के वी टू इज इक्वल टू जीरो, अल्फा वी वन प्लस बीटा वी टू इज इक्वल टू जीरो वेयर अल्फा इज इक्वल टू वन और बीटा इज इक्वल टू माइनस के। अब वी हैव द स्केलर अल्फा जो नॉन जीरो मिला, बीटा इज इक्वल टू माइनस के, वो जीरो हो भी सकता है ना हो, नॉट बोथ और जीरो, सच दैट कि अल्फा वी वन प्लस बीटा वी टू इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स एक स्केलर मिल गया जो नॉन जीरो है। बीटा अगर के जीरो हुआ तो हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हमें एक ही चाहिए था, एटलीस्ट एक होना चाहिए आपके पास। तो अल्फा वी वन प्लस बीटा वी टू इक्वल जीरो मिल रहा है दोनों में से, एटलीस्ट नॉट और जीरो स्केलर, तो आपके पास लीनियरली डिपेंडेंट वाली डेफिनेशन सेटिस्फाई कर दी इसने। तो अब आपके पास ये सेट कैसा हो गया, लीनियरली डिपेंडेंट सेट। थर्ड पार्ट के अंदर आपके पास तीन वैक्टर हैं, द सेट वी वन वी टू वी थ्री इज लीनियरली डिपेंडेंट होगा इफ़ एंड ओनली इफ वी वन वी टू वी थ्री आर को प्लेनर, दैट मीन्स एक ही प्लेन के अंदर है, दो वैक्टर मिलकर एक लाइन बनाते हैं, इसलिए कोलिनियर लिखा था, तीन वैक्टर मिलकर एक प्लेन बनाते हैं तो एक उसे को प्लेनर कहेंगे। इफ वन ऑफ वन इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू वैक्टर्स, तो इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट है, ये भी प्रूफ करते हैं। आपको गिवन है कि लेट फर्स्ट पार्ट के अंदर लेके चलते हैं वी वन वी टू वी थ्री बी द लीनियरली डिपेंडेंट सेट, अगर लीनियर डिपेंडेंट सेट है तो बाय डेफिनेशन ऑफ लीनियर डिपेंडेंट देर एग्जिस्ट स्केलर अल्फा वन अल्फा टू सो ऑन अल्फा थ्री नॉट ऑल जीरो। ठीक है, सारे जीरोज नहीं, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नॉन जीरो, हमने उसे अल्फा वन का नाम दिया नॉट इक्वल टू जीरो, सच दैट कि लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो आ रहा है, अल्फा वन वी वन प्लस अल्फा टू वी टू प्लस अल्फा थ्री वी थ्री इज इक्वल टू जीरो। ठीक, तो इम्प्लाइज दैट अल्फा वन को लेफ्ट हैंड साइड में लिखा, अल्फा वन वी वन को राइट साइड में, माइनस अल्फा टू वी टू माइनस अल्फा थ्री वी थ्री। ठीक है, तो अल्फा वन से डिवाइड कर दिया
दोनों तरफ, तो आपके पास आएगा वी वन इज इक्वल टू माइनस अल्फा टू डिवाइड बाई अल्फा वन टाइम ऑफ वी टू माइनस अल्फा थ्री टाइम डिवाइड बाई अल्फा वन टाइम ऑफ वी थ्री। अब माइनस अल्फा टू डिवाइड बाई अल्फा वन को नाम दोगे आप के वन का, और माइनस अल्फा थ्री डिवाइड बाई ए थ्री है, सॉरी अल्फा थ्री ही आएगा जहाँ पे, अल्फा थ्री बाय ए थ्री की जगह अल्फा थ्री लिखोगे, अल्फा थ्री बाय अल्फा वन को नाम दोगे आप के टू का। तो आप लिख पाओगे वी वन इज इक्वल टू के वन टाइम ऑफ वी टू प्लस के टू टाइम ऑफ वी टू। तो वी इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ हो गया वी टू एंड वी थ्री का, हैंस वी वन वी टू वी थ्री आर कोप्लेनर वैक्टर्स। कन्वर्स पार्ट के अंदर कोप्लेनर लेके चलोगे, अगर वी वन वी टू वी थ्री आर कोप्लेनर है, जस्ट नीचे से स्टार्ट करेंगे अबव जो हमने प्रूफ किया और स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुँच जाएंगे। तो लेट वी वन वी टू वी थ्री आर कोप्लेनर वैक्टर्स, वन ऑफ दिस से वी वन इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वी टू और वी थ्री होगा कोप्लेनर है। तो देयर फॉर देयर एग्जिस्ट स्केलर अल्फा टू एंड अल्फा थ्री, पक्का मीनिंग सच दैट कि वी वन को लिख पाएंगे अल्फा टू वी टू प्लस अल्फा थ्री वी थ्री। अब इसे एक तरफ इकट्ठा कर लिए, माइनस वन वी वन प्लस अल्फा टू वी टू प्लस अल्फा थ्री वी थ्री इज इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं। अब सारे स्केलर्स का जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो आपको जीरो आ रहा है, बट सारे के स्केलर जीरो नहीं है, जो वी वन का स्केलर है माइनस वन है। तो दैट मीन्स हमें तो अगर एक भी स्केलर नॉन जीरो मिल जाए बट उनका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो आ रहा हो तो हम लीनियरली डिपेंडेंट सेट कहते हैं। तो आपके पास बाय डेफिनेशन ऑफ लीनियर डिपेंडेंट सेट यहाँ पे सेटिसफाई हो रही है, तो वी वन वी टू वी थ्री आर लीनियरली डिपेंडेंट सेट फैक्टर्स हो गए, हैंस दिस सेट इज सेट ऑफ फैक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट सेट फॉर्म करेंगे। तो यही हमने प्रूव करना था बच्चे। इलेवंथ और ट्वेल्थ थ्योरम इंपॉर्टेंट है, इसके आगे हमने थ्योरम नंबर 13 नहीं करनी, सेम वैसे थ्योरम नंबर जो 14 है वो भी नहीं करनी, ठीक है। बट इनके रिजल्ट आपको याद रखने हैं, स्टेटमेंट्स एज ए स्टेटमेंट रीड आउट कर लो कि 13 जो थ्योरम है उसकी स्टेटमेंट कह रही है कि इफ़ वी द वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड एफ, देन प्रूव दैट द सेट एस ऑफ नॉन जीरो वैक्टर्स वी वन वी टू वी एन वैक्टर्स का इज लीनियरली डिपेंडेंट होगा इफ एंड इफ ओनली इफ सम एलिमेंट ऑफ एस इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर। दैट इज उसके कहने का मतलब है कि आपका एक सेट है उसको कहोगे लीनियरली डिपेंडेंट अगर उसमें से कुछ वैक्टर्स को आप लिख सकते हो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर वैक्टर्स, या फिर ये कहें कि आपके पास एन वैक्टर्स हैं वी वन वी टू वी एन, इनकी लीनियर स्पेनिंग जो इनसे वैक्टर स्पेस जनरेट होगा, जो वैक्टर ये जनरेट कर सकते हैं वही आपके पास उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर दें वो जनरेट करेंगे। दैट मीन्स लीनियर स्पैन ऑफ इंडिपेंडेंट सेट के अंदर डिपेंडेंट सेट डालने के बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेम लीनियरली डिपेंडेंट स्पैनिंग होती है। फिर 14 की भी स्टेटमेंट पढ़ रीड कर लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एग्ज़ाम्पल्स करते हैं इसके। थैंक यू।